सलमान खान ने एक मर्डर करने के लिए 50 करोड़ रुपए की सुपारी दे दी है। सलमान खान को लेकर ये बड़ा खुलासा और किसी ने नहीं बल्कि कमाल आर खान ने कर दिया है। कमाल आर खान ने कुछ सबूत पेश करके सलमान खान पर यह बड़ा आरोप लगाया है। केआरके का कहना है कि सलमान खान ने उन्हें जान से मार देने के लिए दिल्ली और मुंबई की पुलिस को 50 करोड़ रुपए की रिश्वत दे दी है। इस खुलासे के बारे में जानकर दिल्ली और मुंबई में एक हलचल सी मच गई है। केआरके ने इसका खुलासा एक ट्वीट करके किया है। उन्होंने लिखा कि मेरे पास एक अनजान आदमी का कॉल आया और वो शख्स अपने आप को एक मंत्री का पीए बता रहा था। उसने मुझे बताया कि सलमान खान ने मुझे मारने के लिए दिल्ली और मुंबई की पुलिस को 50 करोड़ रुपए की रिश्वत दे दी है। आगे उसने कहा कि इस साजिश में सलमान खान के साथ बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं। केआरके ने अपने इस ट्वीट में उस शख्स का फोन नंबर और ईमेल भी शेयर कर दिया है और सीधे सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह से मदद गुहार भी लगा दी है। केआरके और सलमान खान दोनों के बीच कई समय से अनबन चल रही है। दरअसल कुछ समय पहले केआरके ने सलमान खान पर कुछ कमेंट्स किए थे जिसके बाद सलमान खान ने उन पर मानहानि का केस कर दिया था। ऐसे में अब केआरके का सलमान खान पर ऐसा खुलासा करना बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करें और ऐसी ही कुछ खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।